ग्वालियर में कट्टा और पिस्टल नहीं दिलाने पर दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग करने का मामला सामने आया है। कट्टा और पिस्टल नहीं मिलने से गुस्साए बदमाश साथी के साथ अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसके पिता भाई पर फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों बदमाश फरार हो गए। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पिता पुत्र ने थाने में पहुंचकर इस घटना की शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर से योगेश विसारिया की रिपोर्ट। माधोगंज थाने पर चुन्ना खान नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके पहले पूर्व में पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था, वो आजकल जिंदगी छाव में रहने लगा। कल रात को उनके लड़के जो है रियाज को उसने व्हाट्सएप कॉलिंग करके कुछ लेन देन की बात थी और कट्टा मांग रहा था उससे कि मैंने कट्टा दे दे, और इस बात पर गाली गलौज भी करी थी। वीडियो रिकॉर्डिंग भी है उनके पास, और आज सुबह वो उनके घर पर आके घर के बाहर गाली गलौज करने लगा। और जब पिता घर से बाहर उन्होंने खिड़की में झांक कर देखा चुन्ना खान ने, तो उन पर जान से मारने की नीयत से उसने फायर किया। उनकी फायर की आवाज़ सुन के उनका बेटा जो है रियाज खान वो भी आया, उसने भी देखा तो उसके ऊपर भी जान से मारने की नीयत से फायर किया। उनकी रिपोर्ट पर से जो है आरोपी के विरुद्ध धारा 307, 34 और 294 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।